भारतीय जनता पार्टी जिला दुर्ग एवं भिलाई द्वारा प्रदेश कांग्रेस सरकार के कुशासन, भ्रष्टाचार, स्वेच्छाचारिता, जनता की मूलभूत समस्याएं, खराब कानून व्यवस्था, बढ़ते अपराध, चोरी, लूट, डकैती, हत्या, बलात्कार जैसी घटनाएं, सड़क दुर्घटनाएं, पट्टा वितरण पर रोक, पेयजल समस्या, भूमि अधिग्रहण, मुआवजा, अवैध शराब बिक्री, नशा कारोबारियों को संरक्षण जैसे अनेकों जन विरोधी कृत्यों के विरुद्ध पाटन विधायक व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व अहिवारा विधानसभा के विधायक गुरुद्र कुमार के निवास का घेराव किया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पुरानी भिलाई स्थित मंगल भवन मैदान के पास आम सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि गरीबों के आवासों का पैसा सरकार ने रोका है। पीएम नरेंद्र मोदी ने गरीबों को पक्के मकान देने की योजना बनाई, लेकिन कांग्रेस सरकार ने विश्वासघात किया। इस सभा में मुख्य तौर पर दुर्ग लोकसभा के सांसद विजय बघेल, प्रदेश महामंत्री विजय शर्मा, प्रदेश भाजपा कार्य प्रभारी सच्चिदानंद उपासने, रायपुर भाजपा के जिलाध्यक्ष राजीव अग्रवाल, दुर्ग जिलाध्यक्ष जितेंद्र वर्मा एवं भिलाई जिला अध्यक्ष ब्रिजेश बिजपुरिया समेत पूर्व विधायक उपस्थित रहे। भाजपा के युवा मोर्चा एवं महिला मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सीएम भूपेश बघेल एवं पीएचई मंत्री गुरुद्र कुमार के निवास का घेराव किया। इस दौरान पुलिस और युवाओं के बीच झूमा झटकी का दौर भी देखा गया। इस प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम पहले ही कर रखे थे, जिसके लिए 500 से अधिक पुलिस जवान तैनात किए गए थे। देखिए, आज इतने संवेदनशील विषय को लेकर आज हम लोग आंदोलित हैं और पूरा प्रदेश आंदोलित है। प्रदेश नेतृत्व द्वारा जो आदेश दिया गया है कि पूरे सभी कांग्रेसी विधायकों का घेराव उनके निवास पर जाकर करें, और जहां पे हमारे विधायक है वहां पे एसडीएम और तहसीलदार कार्यालय के घेराव करके प्रतिवेदन सौंपे। और उसी तारतम्य में आज चूँकि भिलाई 3 में मुख्यमंत्री का निवास है, पीएचई मंत्री का निवास है, एक पाटन का विधायक है, एक अहिवारा का विधायक है, हम लोग संयुक्त रूप से पाटन और अहिवारा के सभी भारतीय जनता पार्टी के जन जन को लेकर और जो आवासहीन जिनके आवास छीने गए हैं पात्रता रखने वाले उनके साथ मिलकर आज ये बड़ा आंदोलन इन दोनों के घेराव के लिए यहाँ पर हमने आयोजित की है। अभी सभा होगा एक आध घंटा, उसके बाद हम लोग कतारवश जाके वहाँ पर जोशीले ढंग से पूरे नारेबाजी के साथ हम मुख्यमंत्री और पीएचई मंत्री के घर में घुसेंगे और उनका घेराव करेंगे। वो कुछ भी ला ले, तोपे ला ले, बंदूक ला ले, कुछ भी ला ले, हमारे हौसले नहीं गिरेंगे, हमारे हौसले बुलंद है। और जो आक्रोश पूरे छत्तीसगढ़ की जनता में है, उस आक्रोश को समेट कर भारतीय जनता पार्टी के सिपाही लगे हुए हैं। कहीं पे कोई कोताही नहीं बरसित आएगी, इसका जेल भर जाएगा लेकिन हमारे लोग कम नहीं होंगे। हम लोग यहाँ 5-7 हज़ार की उम्मीद लेकर यहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं, और चूँकि अन्य कार्यक्रम भी अभी चल रहे हैं, गांव-गांव में बहुत सारे फंक्शन हैं, फिर भी आप देख रहे हैं ना कैसे लगातार हुजूम लग रहे हैं, और ये बताता है कि लोगों में जो आक्रोश है उबल रहा है। प्रतीक्षा कर रहे थे कब ऐसा कार्यक्रम हो और जाकर पूरा आक्रोश हम भूपेश बघेल और उसके मुख्यमंत्री, उसके मंत्रियों के ऊपर, उसके विधायकों के ऊपर निकाले। प्रदर्शन के दौरान जब भाजपा के नेता बैरिगेट तोड़ने में असफल रहे, जिसके बाद भाजपा नेताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और प्रदर्शन समाप्त किया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।